लखनऊ के चिन्हट थाना पुलिस की कस्टडी में कारोबारी मोहित की संदिग्ध मौत का मामला गर्मा गया है। रविवार को पूरा दिन प्रदर्शन और सियासी बयानबाजी के बीच देर रात आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मोहित के शरीर पर चोट के निशान तो पाए गए, लेकिन मौत के कारण स्पष्ट नहीं होने की वजह से विसरा सुरक्षित कर लिया गया। उधर यूपी की राजधानी लखनऊ में थाने में मोहित पांडे नाम के युवक की हत्या मामले में अब सरकार ने भी बड़ा एक्शन ले लिया है। थाने के इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी को हटा दिया गया है। लखनऊ पुलिस ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से इस खबर को साझा किया कि इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। साथ ही इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार के खिलाफ मोहित पांडे की हत्या का केस भी दर्ज किया गया है। बता दें कि इस घटना के बाद रविवार दिन भर हंगामा हुआ। मोहित पांडे के परिजनों ने रोड जाम कर बड़ा प्रदर्शन किया। दरअसल थाने में मोहित पांडे की मौत के बाद से ही उनकी मां तपेश्वरी देवी की शिकायत पर थाना प्रभारी अश्विनी कुमार चतुर्वेदी सहित तीन लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। परिजनों ने पुलिस पर अत्यधिक पिटाई करने का आरोप लगाया था। मोहित पांडे की मौत मामले में पुलिस की कार्रवाई में बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक मोहित पांडे को चिन्हट थाने पर शुक्रवार रात करीब 11 बजे लाया गया। रात भर थाने में रखने के बाद अगले दिन दोपहर 1 बजे उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई। इस मामले में चिन्हट थाने के लॉकअप का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि मोहित पांडे के हाथ पैर ऐंठने लगे तो हवालात ने बगल वाला एक युवक उसकी तबीयत को बिगड़ता देख उसकी पीठ को सहला रहा है। वहीं लॉकअप के गेट पर बैठे एक युवक ने पानी की बोतल दी, जबकि दूसरे ने पहरे पर खड़ी महिला कांस्टेबल को सूचना दी। इसके बाद अस्पताल ले जाया गया मोहित पांडे को, जहां उसकी मौत की खबर सामने आई। इस घटना के बाद विधायक योगेश शुक्ला पीड़ित परिवार से भी मिले हैं और 1 लाख रुपए की धनराशि का चेक मृतक की मां और पत्नी को सौंपा है। जिन लोगों ने कृत्य किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। ये योगी सरकार में हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं, निश्चित तौर पे न्याय होगा, लेकिन समय का थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और मैं परिवार को लेकर के हमारी मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करूंगा, मिलकर के जो भी संभव हो परिवार की मदद। कस्टोडियल डेथ हुई है सर, परिवार लगातार ये कह रहा है कि पुलिस की वजह से मौत। आप बताइए कि जिस थाने में कोई इंस्पेक्टर हो उसी थाने में उसके खिलाफ FIR दर्ज हो, इससे बड़ा न्याय और क्या हो सकता है? 302 का मुकदमा कायम हुआ है। जिस इंस्पेक्टर उसी थाने पे था और उसी के खिलाफ कल FIR दर्ज हुई है उसी थाने के अंदर, इसका मतलब है कि न्याय की ओर मामला चल रहा है। कल भी परिजनों ने लोहिया हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन किया, आज भी कर रहे हैं। स्वाभाविक है, परिवार संतुष्ट नहीं है। परिवार की पीड़ा समझी जा सकती है भाई। किसी परिवार में अगर कोई नौजवान की डेथ हो या किसी भी उम्र का व्यक्ति उसकी डेथ होगी तो कष्ट तो होगा ही, और पूरे क्षेत्र को कष्ट है। कितना परिवार के साथ पूरे क्षेत्र को कष्ट है। हम लोग सब लोग कष्ट में है, लेकिन अब घटना को तो आप किसी से मंत्री वापस नहीं कर सकते पूरे घटनाक्रम को, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि जिन स्थितियों में ये हुआ है उसकी पूरी जांच हो, जिन्होंने गलत किया है वो दंडित हो, परिवार को पूरी सहायता मिले। माता जी है इस संबंध में मैं सर 1 करोड़ रुपए की मांग कर रही है और परिवार वाले और एक सरकारी नौकरी की, उसमें क्या कहेंगे सर? अब ये तो मैं आपके मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और जो हमारे अधिकारी उनसे मिलकर तभी मैं इससे कोई बात बोल सकता हूँ। पुलिस अफसरों की तरफ से भी सिर्फ FIR की कार्रवाई हुई है, ना कि पत्र की कार्रवाई हुई है।